घर में अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप सोचते होंगे क्या बनाया जाए जो फटाफट बन जाए। एक ऐसी सब्जी बनाने जा रहे हैं जो नॉर्मली सबके घरों में आलू होता ही है, तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू स्टाइल आलू की करी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं आलू करी। तो चलिए आलू करी बनाने के लिए एक पैन में एक बड़ा कप पानी बॉईल करते हैं। इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने थोड़ा मोटा काट लिया है वो ऐड करेंगे। एक बड़ा टमाटर वो भी हमने मोटे टुकड़ों में काट लिया है वो इसमें ऐड करेंगे। दो बड़े चम्मच काजू, यह हमने टुकड़ा काजू लिया है क्योंकि हमें बॉईल करना है। 5 से 7 साबुत लाल मिर्च, इन सबको बॉईल करके ठंडा करके हम इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। एक पैन या कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल को गर्म किया है। 200 ग्राम छोटे आलू को हमने पहले से बॉईल करके उसको छील लिया है। इस आलू को हम गरम तेल में हम पहले अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। जिस पैन या कढ़ाई में हमने आलू फ्राई किए थे उसी में अब हम थोड़े से साबुत गरम मसाले फ्राई कर लेंगे। 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग, इसको हम हल्का सा पहले सौटे कर लेते हैं। साबुत गरम मसाले सौटे हो चुके हैं। अब हमने जो मसाला पीसा है बॉईल करके उसको हम इसमें ऐड करेंगे। इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक ये मसाला थोड़ा ऑयल ना छोड़ दे। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करने से सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। मसाले के साथ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। 1 चम्मच इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से रेड चिल्ली पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, और सब चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह मसाले के साथ मिला लेते हैं। एक 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे मसाले में जिससे कि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसको क्रश करके डाला है, शुरू में डालना भूल गए थे तो अब ऐड कर दिया है इसमें। इसको भी हम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। एक 1 छोटा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, इसको भी हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आपको लग रहा है मसाला थोड़ा ड्राई है, भुनने में मुश्किल हो रही है, तो 1 से 2 चम्मच पानी भी आप ऐड कर सकते हैं जिससे कि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। अब जो हमने उबले हुए आलू को फ्राई किया था वो आलू इसमें ऐड करेंगे। मसाले के साथ आलू को अच्छी तरह हम पहले मिला लेते हैं। आलू और मसाला अच्छी तरह भुन गए। अब मिक्सर जार में जो थोड़ा मसाला बच गया था उसमें हमने थोड़ा पानी ऐड किया, वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। ग्रेवी लगाएंगे, हमने यहाँ पर 1 से 1.5 कप पानी ऐड किया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी थिकनेस आपको चाहिए ग्रेवी की। पानी डालने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे। सब्जी कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं।
अगर आपको ग्रेवी थिक लग रही है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए। कटे हुए हरे धनिया से इसको गार्निश कर देते हैं और इसको हम सर्व करते हैं। फटाफट बनने वाली आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार है। आप इसको रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।